हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं सीटेट जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर है, पेपर फर्स्ट का। स्टूडेंट्स, ये पार्ट थर्ड है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ये पार्ट चल रहा है। और स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो का पांचवा पार्ट है। इसका चार पार्ट अपलोड किया जा चुका है, जिसमें कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी, मैथ्स और कुछ ये EVS के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया गया है। ओके, तो इस वीडियो में हम 66 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टूडेंट्स, इसके पहले के जो वीडियोस हैं आप लोग उनको, इसलिए उन वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर के वीडियोस वहां पे अपलोड किए गए हैं, आप लोग वहां से भी सॉल्व पेपर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, 66 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कि निम्नलिखित में से कक्षा फर्स्ट और सेकेंड के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है, तो क्या सच है? इसका स्टूडेंट्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ में एजुकेशन के स्ट्रक्चर, मतलब एजुकेशनल स्ट्रक्चर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इन चारों ऑप्शंस में क्या है। तो इन चारों ऑप्शंस को आप लोग पढ़ लीजिए, A, B, C, D चारों, और इसके बाद ये नीचे जो नंबरिंग से दिया गया है इनमें से हम लोग को देखना है कि चारों होगा या इन चारों में से एक या दो ऐसे होगा। तो स्टूडेंट्स राइट आंसर जो है ये होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, A, C और D। ठीक है, यानी A, C और D जो ये तीनों हैं ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ के में ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन है ये हमें सबसे ये तीनों सही होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। देखिए, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चे एनवायरमेंटल अध्ययन को कक्षा की चार दीवारों से बाहर सीखना चाहिए, और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, तो ये इसका यानी चौथा ऑप्शन A, C और D सही आया। फोर्थ है स्टूडेंट्स की पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है किस्से और कहानियाँ। निश्चय निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? तो थर्ड इसका जो ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है, क्रियाकलापों प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है, ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन है जो भी हम लोगों ने देखा 69 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें भी देखिए ये जो दिया गया है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। ओके, अब देखिए ये इसमें फिर से चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको आप लोग रीड कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, A, B और C। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है A, B और C, ये इसका सही होगा, यानी A, B, C ये तीनों सही होगा। एक शिक्षक जो होता है, एक टीचर जो होता है, वो प्रैक्टिकल जो वर्क होता है कराने के बाद वो क्या करता है, जो क्वेश्चंस होते हैं, डिस्कशन होते हैं, क्लास में डिस्कशन करते हैं, बच्चों को उस जो प्रैक्टिकल करवाया गया है, प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और डिस्कशन करते हैं बच्चों से। तो यहाँ देखिए यही पूछा गया है कि जो क्रियाकलाप यानी मेथड है, वर्क हुआ, प्रैक्टिकल वर्क, क्वेश्चन और डिस्कशन के संचालन करने का जो उद्देश्य होता है, एम होता है, वो क्या होता है? वो तो उसका यही उद्देश्य होता है कि बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, मतलब बच्चों में कितने बच्चे एक्टिवली उन सारे प्रैक्टिकल वर्क को समझे हैं कि हाँ ऐसे हुआ, ये इसको करने से ये होता है, यानी कितने बच्चे एक्टिव हैं इसका हमें पता चलता है। नेक्स्ट है बच्चों को खोजने का अवसर देना, यानी बच्चे खुद से किसी भी चीज़ को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में जानने का के लिए उत्सुक होते हैं, उसका हमें मौका देना, ये हो गया। नेक्स्ट है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, तो बच्चे खुद से उनके अंदर क्वेश्चंस जो होते हैं वो निकलते हैं, अराइज होते हैं कि नहीं हमें अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये इसका ये मतलब हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये वाला है, थर्ड वाला है, A, B और C, ये ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, क्योंकि पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और यानी बुक्स और टीचर्स के अलावा अदर सोर्स की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित हमें करना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में क्या होता है, बुक और शिक्षक ही स्रोत नहीं होते हैं, उसके अलावा जो इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं नेचर से रिलेटेड हर चीज़ वो भी उनके उसके स्रोत है, तो सही है ये। अगला है यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, ठीक है, और यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं, और स्टूडेंट्स एक चीज़ और कि ये हर साल रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे दोनों पेपर में, फर्स्ट और सेकेंड दोनों में, तो आप लोग ज़रूर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके ही जाइएगा, ठीक है। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप यहाँ पे 1 से 5 साल तक के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कराया गया है, आप लोग प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर देख सकते हैं वहाँ जाकर, तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन बेल को स्टूडेंट्स ज़रूर से ऑन रखिएगा ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड हो आप लोग को अपडेट्स मिलते रहें और आप लोग अपने प्रिपरेशन में हेल्प ले सकें, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए और इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सभी बच्चों तक पहुँचाइए जो लोग भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सीटेट, एसटेट, यूपीटेट, टीईटी जितनी भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में स्टूडेंट्स एक लगभग पैटर्न तो एक ही होता है, ठीक है, तो उन सभी के में आप सभी तक पहुंचाइए, सभी लोग को हेल्प मिल सके, मेरा पर्पस यही है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, तो याद करना ये जो है इन्वायरमेंटल स्टडी में आकलन के लिए हमें संकेतक नहीं मानना चाहिए। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए, ठीक है। स्व आकलन है, स्व आकलन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन का सही होगा, सीखने के समान आकलन, ठीक है, जितना हमने सीखा है उसके बराबर का जो आकलन है दैट इज कॉल्ड स्व आकलन, ओके। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि एक शिक्षक जो है खाना किस प्रकार से खराब होता है, इस पर एक प्रैक्टिकल करता है, ठीक है, और शिक्षक बच्चों को ग्रुप बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री दे देता है, और शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है ये पूछा गया है, तो ये चारों यहाँ पे दिए गए हैं, इन चारों में से हमें बताना है कि जो टीचर है वो बच्चों को ग्रुप में क्यों डिवाइड करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल ए और बी सही है, यानी यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, यानी कि जो बच्चे एक साथ पढ़ते हैं एक साथ पढ़ने से भी ज़्यादा लर्निंग होती है, तो उसको ये सपोर्ट करता है ग्रुप में डिवाइड करना, और यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, मतलब जो आपस में उनका कोऑर्डिनेशन होता है, संबंध होता है कि स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर कैसे रहना है, एक रिलेशन जो होता है वो उसको मेंटेन करता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन भी सही होगा कि यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। इसके आगे क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखेंगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।